जारी है पायलट गहलोत के बीच शीत युद्ध। गहलोत पुत्र वैभव की लगातार दूसरी हार पर पायलट का बड़ा बयान। चुटकी भरे अंदाज में बोल डाली बड़ी बात। पिछली बार भी वो नहीं जीत पाए थे, इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए, कहीं से जीत के आएंगे। कांग्रेस पार्टी 10 साल बाद लोकसभा चुनाव में मजबूत वापसी करने में कामयाब रही है, लेकिन राजस्थान के नेताओं के बीच अंदरूनी कलह अब भी खत्म नहीं हुई है। सचिन पायलट ने गुरुवार को एक बार फिर अशोक गहलोत के पुत्र को चुनावी हार को लेकर चुटकी ली है। टोंक प्रवास के दौरान पत्रकारों ने पायलट से पूछा कि वैभव गहलोत सीट बदलकर भी चुनाव नहीं जीत पाए, इस पर आप क्या कहेंगे। जवाब में पायलट ने कहा कि कई जगह हम नहीं जीत पाए और मेहनत करेंगे। वैभव पिछली बार भी नहीं जीत पाए थे, इस बार भी जीत हासिल नहीं कर सके, अगली बार और मेहनत करेंगे, कहीं और से चुनाव जीत कर आएंगे। दरअसल पिछली बार वैभव ने जोधपुर से चुनाव लड़ा था। जोधपुर से हार के बाद इस बार सीट बदल कर उन्हें जालौर से उतारा गया था। अब पायलट ने अगले चुनाव में फिर सीट बदलने का संकेत देते हुए चुटकी ली है। वो कई जगह हम नहीं जीते हैं, लेकिन और मेहनत करेंगे अगली बार। पिछली बार भी वो नहीं जीत पाए थे, इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार और मेहनत करेंगे और कहीं से जीत के आएंगे। आपको ये भी ध्यान दिला दें कि वैभव के चुनाव प्रचार से भी पायलट को दूर रखा गया था। चुनाव के बीच जब पायलट से पूछा गया था कि आप वैभव के प्रचार में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा था कि जो मुझे बुला रहा है और पार्टी जहां भेज रही है वहीं प्रचार के लिए मैं जा रहा हूं। गहलोत ने चुनाव के बाद पायलट के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि प्रियंका गांधी आई थी, सचिन आते तो सब वेलकम करते, चुनाव में कोई बुलाता है कोई नहीं बुलाता है, सब अपने समीकरण देखते हैं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुनाव के बीच ऐसे बयान पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। इधर पायलट ने विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 30 साल से सिलसिला चला आ रहा था कि हम सरकार बनाते हैं और दूसरी बार हार जाते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में गहन चिंतन किया और काफी सीटें जीते। पूर्वी राजस्थान शेखावाटी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, युवाओं को ज्यादा मौका देने से फायदा मिला है। बहरहाल वैभव की हार पर पायलट की इस टिप्पणी पर वैभव गहलोत या उनके पिता अशोक गहलोत का क्या जवाब आता है, देखना दिलचस्प रहेगा।